नमस्कार, इजी होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन और उबले हुए आलू से बहुत ही क्रिस्पी स्नैक्स। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक कप बेसन लिया है, ये 125 ग्राम है, और ये डाल रही हूँ नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और आधा छोटा चम्मच जीरा, और एक छोटा चम्मच अजवाइन, और एक छोटा चम्मच चाट मसाला। मसाले को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और इसका हमने पतला घोल तैयार करना है। इस स्नैक्स को बनाने में ना तो आपको इसको फ्रीजर में रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैंने आलू और बेसन का जो स्नैक्स बताया था, तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैडम हमारे पास फ्रिज नहीं है, हमें ये स्नैक्स बनानी है तो कैसे बनाएं। तो इसीलिए मैं दूसरी तरह से बनाना बता रही हूँ, ताकि आपको फ्रीजर में ना रखना पड़े। अब इसमें मैंने 2 कप पानी डाला है, यानी 500 ml, क्योंकि हमें पतला घोल तैयार करना है इस तरह से। अब कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, ये मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल कुछ भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं। तेल गर्म हो जाने के बाद हम जो बेसन का हमारा पतला घोल है वो हम इसमें डाल देंगे, और फ्लेम को रखेंगे मीडियम। लगातार चलाते हुए इसको गाढ़ा करेंगे। मुश्किल से आपको इसमें 2 या 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगता है, फटाफट गाढ़ा हो जाता है ये। अभी गाढ़ा हो चुका है, गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी थोड़ा ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद हमने इसमें डाला है धनिया पत्ती और 400 ग्राम उबले हुए ग्रेट किए हुए आलू। आलू आप मैश करके भी डाल सकते हैं, बस आलूओं में गुठले नहीं होने चाहिए। तो इसमें मैंने 400 ग्राम डाला है, 1 कप बेसन में 400 ग्राम आलू, और ये मैं डाल रही हूँ पोहा पाउडर। पोहे को मैंने पीस लिया है सूखा मिक्सी में, और उसका पाउडर डाला है आधा कप, तो ये 75 से 80 ग्राम के आसपास होगा। अब पोहा डालने से ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगा और बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, और इसको आपको फ्रीजर में रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टोटल जो पोहा पाउडर लगा है वो आधा कप लगा है, और इसका हमने डो तैयार करना है। ना तो ये सॉफ्ट है और ना ही ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। हाथों को चिकना कर लेंगे और इसको हम शेप देंगे। तो बहुत ही इजी शेप में बना रही हूँ, आप अपने मन मुताबिक कोई भी शेप बना सकते हैं। इसको आप हरी चटनी से खाइएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। ये देखिए, हमने सभी बनाकर तैयार कर लिए हैं। बेसन को घोल कर डालते हैं तो उसका एक अलग ही टेस्ट आता है। अब ऑयल गर्म हो चुका है, और अब हम अपने सभी स्नैक्स को डीप फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक हमने फ्राई करना है। इनको आप कच्चे बनाकर भी रख सकते हैं, और जब मन हो तब आप फ्राई करके इसको खा सकते हैं। तो पहले आलू और बेसन के स्नैक्स में बहुत सारे कमेंट आए थे कि वो सेलो फ्राई करते हुए बिखर गया,
तो आप पोहा डाल के बनाइए, ना तो बिखरेगा और इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं और ना ही इसके अंदर ऑयल भरेगा। काफ़ी कमेंट थे जिन्होंने बोला कि ऑयली भी है ये ज़्यादा आलू बेसन का स्नैक्स, पर ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगेगा, इसके अंदर ऑयल नहीं भरता बिल्कुल भी। तो आलू बेसन स्नैक्स हमारा बनके तैयार है, आप इसे बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा आपको इसका टेस्ट कैसा लगा, और हरी चटनी के साथ खाइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।